सरकार और मिनिस्ट्री मीडिया की लद्दाख में छिपा क्या रही है? मीटर की हाइट पर 300 लोग आखिर 21 दिनों के लिए आमरण अनशन पर बैठे ही क्यों हैं? लद्दाख का मुद्दा है कि यहाँ पर लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है। मतलब जम्मू कश्मीर अब लोकतंत्र बहाल होगी, स्टेटहुड बहाल होगी, मगर लद्दाख को ऐसा नहीं दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल लॉबीज, माइनिंग लॉबीज का दबाव है सरकार पर कि वो लद्दाख को संरक्षित न रखें ताकि वो अपना खेल खेल सकें। लद्दाख से आवाजें उठा रहे हैं कि लद्दाख के लोग भी हर तरह से आवाज उठाकर सरकार को बताएं कि आपने वादा किया है तो आपको ये निभाना होगा। यहाँ का टेम्परेचर कभी भी -17 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं सोनम वांगचुक। बहती हवा सा था वो और आज वही हवा पानी को बचाने के लिए बीते 14 दिनों से अनशन पर बैठा हुआ है। सोशल एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक पिछले 15 दिन से लेह लद्दाख में भूख हड़ताल पर है। सोनम वांगचुक हेड वर्क विद इंडियन आर्मी। जब गलवान वैली की क्लासेस चल रही थी तो उन्होंने पूरे लद्दाख में रहने वाले लोगों को इंडियन आर्मी के सपोर्ट के लिए यूनाइट किया था और चाइना के खिलाफ इंडियन आर्मी का हर संभव मदद किया था। ही इज आल्सो गॉट ए रेमन मैग्सेसे अवार्ड व्हिच इज नोन एज ए नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। ही हेड वर्क विद इंडियन आर्मी टू क्रिएट सोलर हीटेड बिल्डिंग व्हिच इज आल्सो सस्टेनेबल फॉर आवर एनवायरमेंट। ही हेड आल्सो वर्क ऑन आइस स्तूपा मॉडल। मैं आपको बता दूं कि आइस स्तूपा मॉडल से मैन मेड ग्लेशियर्स बनाए जाते हैं और विंटर के मौसम में इन्हीं स्तूपा मॉडल्स की मदद से बर्फ को संग्रहित कर लिया जाता है और फिर गर्मी के मौसम में जब उन्हें पानी की होती है तो वो उन्हीं बर्फों को पिघलाकर पानी बनाते हैं। 1986 में भी एक आमरण अनशन करते हैं और उस अनशन के 16वें दिन उस समय की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी दिल्ली से उड़ान भरकर आती है, एक गिलास जूस के साथ उनका आमरण अनशन तोड़वाती है। रात के 12 बजे अचानक से एक फोन आता है, पता चलता है कि लद्दाख इज नो पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप लद्दाख में रहोगे, वहां के सारे नियमों का पालन करोगे, लेकिन वहां पर आप अपना लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं चुन सकते। संविधान की 6वीं अनुसूची और अनुच्छेद 244 के अनुसार गृह मंत्रालय ने 2023 में लद्दाख पर एक एचपीसी का भी गठन किया, लेकिन अब तक उनके बैठकों कोई ठोस नतीजा नहीं आ पाया। 2019 के चुनाव में उस समय की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख के लोगों के लिए घोषणा पत्र भी बनाया था जिसके अनुसार लद्दाख को भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची में भी शामिल किया जाएगा। यह पहली बार नहीं है जब सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर गए, लेकिन उनका यह आमरण अनशन इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने इस बार 21 दिनों के लिए आमरण अनशन पर गए। और मैं आपको बता दूं कि यह भारत के इतिहास का सबसे लंबा उपवास जो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रखा था। गाइस, हमें एक वीडियो बनाने में 18 से 20 घंटे का मेहनत लगता है और आपको एक लाइक करने में 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है। आपके एक सब्सक्राइब से हमारे 18-20 घंटों का मेहनत सार्थक हो सकता है अगर आप चाहो सब्सक्राइब करके। लद्दाख का इतिहास एक पुराने इतिहास के पन्नों की तरह है जिसका हर पन्ना एक अलग ही कहानी बयां करता है और हर नया अक्षर एक अलग ही रहस्य प्रकट करता है। वैसे तो लद्दाख का इतिहास बहुत ही प्राचीन रहा है और इसके विकास में कई सारे संस्कृतियों और राजवंशों का योगदान था। इसका अधिकांश ऐतिहासिक विवरण उसके स्थानीय लोगों के मूल संस्कृति, बौद्ध और जैन धर्मों तथा गुरु नानक देव और वहां के कुछ मौजूद तांत्रिकों के साथ संबंधित। 1947 में जैसे भारत को आजादी मिली उसके बाद लद्दाख भी भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। लद्दाख ने भारतीय संविधान के तहत एक विशेष दर्जा प्राप्त किया जिससे यह एक विशेष प्रकार का प्रशासनिक क्षेत्र बन गया। 1949 में पहली बार लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से मर्ज किया जिससे यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था जम्मू और कश्मीर के हिसाब से हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये सोनम वांगचुक वही है जिन पर 3 इडियट्स फिल्म बनी और इस फिल्म में आमिर खान ने सोनम वांगचुक का रोल अदा किया। यह पहली बार नहीं है जब सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर गए हैं, इससे पहले भी उन्होंने कई बार नमक और पानी के सहारे आमरण अनशन किया है। 2019 के बाद से तो इन्होंने कई चरणों में आमरण अनशन किया है। वैसे में सवाल यह उठता है कि जब इन्होंने 2019 के बाद से कई बार अगर आमरण अनशन कर ही चुके हैं तो फिर आखिर यह आमरण अनशन खास क्यों है? तो देखो, सोनम वांगचुक का विरोध 6 मार्च को शुरू हुआ जब सैकड़ों लोग समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर पर एकत्रित हुए। 6 मार्च को अपने साथियों से बात करने के दौरान वांगचुक ने बताया है, हमने 21 दिन का आमरण अनशन इसीलिए चुना है क्योंकि यह हमारे इंडियन हिस्ट्री का सबसे लंबा उपवास है और जो महात्मा गांधी ने आजादी के लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ रखा था और मैं महात्मा गांधी के उन्हीं रास्तों पर चलना चाहता। वांगचुक बताते हैं कि उनके पिता ने भी लद्दाख की सुरक्षा के लिए 1986 में आमरण अनशन किया था। उनके पिता का यह अनशन लद्दाख में रहने वाले आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए था और उस वक्त की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी दिल्ली से उड़ान भरकर आई थी और उनके पिता को एक गिलास जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन तोड़वाया था और बाद में उन्होंने उनके सारी मांगे मान ली थी। वांगचुक बताते हैं कि जब 2011 में अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल की मांग को लेकर आमरण अनशन किया था तो उस वक्त की मौजूदा सरकार ने 13वें दिन ही लोकसभा में बिल पास कर दिया था। चलिए जानते हैं क्या है सोनम वांगचुक की मांगे। तो देखो, वांगचुक का पहला मांग है कि लद्दाख को एक
पूर्ण राज्य वाला दर्जा मिला और लद्दाख में संविधान की 6वीं अनुसूची भी लागू। इसके अलावा कारगिल और लेह जिलों के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें भी हो और तो और लद्दाख का एक अलग से लोक सेवा आयोग। इन्हीं मांगों को लेकर सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार से भी चर्चा करी थी लेकिन उनका बात नहीं बना। चलिए समझते हैं कि आखिर हमारे संविधान की 6वीं अनुसूची है क्या। तो देखो 6वीं अनुसूची में आदिवासी जनजातियों के लिए एक अलग सा विशेष प्रावधान है और इसी 6वीं अनुसूची की मदद से लद्दाख के लोग लद्दाख के अंदर कई सारे स्वायत्त जिले बना सकते हैं। वांगचुक के अनुसार 6वीं अनुसूची का मकसद सिर्फ बाहरी लोगों को रोकना नहीं है बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी उन जंगलों को बाहरी लोगों से बचाने का प्रयास है। चलिए अब समझते हैं कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनने की वजह से लद्दाख को नुकसान क्या हुआ। तो देखो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनने की बात से लद्दाख के स्थानीय लोगों की नौकरियों में बहुत ही ज्यादा बदलाव हुआ है। पहले लद्दाख के लोग जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग में गजेटेड पदों के लिए आवेदन कर सकते थे लेकिन अब उनसे यह भी विकल्प छीन लिया गया है। और तो और सोनम वांगचुक ने जलवायु परिवर्तन का भी चेतावनी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ग्लेशियर पिघले तो इसका सीधा प्रभाव हमारे साउथ एशिया में रहने वाले 2 बिलियन लोगों पर पड़ेगा। अब गाइस आप ही बताइए कि आपका क्या राय है सोनम वांगचुक की इस 21 दिन के आमरण अनशन के बारे में। क्या लद्दाख के लोगों को भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची में जगह मिलना चाहिए या फिर नहीं।